गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी हिंदी की पुस्तक वितान का पाठ 3 है, अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी जी। देखिए, सबसे पहले इस पाठ का जो नाम है उसका क्या अर्थ है। अतीत में दबे पांव, अतीत मतलब बीता हुआ समय, दबे पांव जो मतलब बातें, जो संस्कृति, जो हमारी सभ्यता पुराने समय में जो दब गई है, मतलब जिसे आज खोजने की जरूरत है। तो इसमें जो लेखक हैं ओम थानवी जी, इसमें लेखक ने मोहन जोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया है। लेखक ने स्वयं मोहन जोदड़ो की यात्रा की, वहां के खंडरों का, वहां की पुरानी इमारतों का, वहां के बारे में लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। जबकि जो हड़प्पा संस्कृति थी, वहां पर मतलब रेलवे लाइन वगैरह बिछने के कारण उसकी ज्यादा खुदाई नहीं की जा सकी, तो लेखक ने इसमें मुख्य रूप से मोहन जोदड़ो के बारे में बताया है। जो मोहन जोदड़ो जो संस्कृति है वो 5000 वर्ष पुरानी है, कि जब उसकी खुदाई की गई उस स्थान की, तो मतलब बहुत सी बातें हमें वहां के बारे में पता चली, वहां की संस्कृति के बारे में। तो लेखक इसमें कह रहे हैं, अभी भी मोहन जोदड़ो, मतलब इसको हम मोहन जोदड़ो भी कह सकते हैं, जो है वो जो पाकिस्तान में है, और हड़प्पा जो कि पंजाब में है, प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित का मतलब क्या होता है, मतलब एक अच्छा शहर जिसे बनाने में मतलब पूरी तरह से अच्छे नियम लागू किए गए हों। तो लेखक ने इसमें बताया है मोहन जोदड़ो जो इस समय पाकिस्तान में है, और हड़प्पा जो इस समय पंजाब में है। तो इन दोनों स्थानों की खुदाई की गई, तो वहां के बारे में जो भी जानकारी हासिल हुई, तो पता चलता है कि ये दोनों ही अपने समय के बहुत ही नियोजित शहर थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। परिपक्व मतलब विकसित, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय के विकसित शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। जब खुदाई की गई तो और भी शहरों के बारे में जानकारी हासिल हुई, लेकिन ये पता चला कि उस समय जो ताम्रकाल था, कि उसमें मोहनजोदड़ो जो था एक बड़ा शहर था, उस समय का एक विकसित शहर था, वह सबसे उत्कृष्ट भी है। उत्कृष्ट मतलब विकसित है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो मतलब उसमें बहुत सारी जो जानकारी थी वो यहीं पर प्राप्त हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे, मुहरें, साजो सामान और खिलौने आदि मिले, कि जब इसकी खुदाई की गई सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। मतलब वहां ये सारी चीजें मिली, वहां की जानकारी मिली, तभी जो ये सभ्यता का हम अध्ययन कर पाए। उधर सैकड़ों मील दूर जो हड़प्पा है, उसके ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मतलब वहां पर रेल लाइन बिछा दी गई, बाद में खुदाई करने की सोची, तो ज्यादा जानकारी हासिल हम नहीं कर पाए। मोहन जोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। कि मोहन जोदड़ो के बारे में लेखक बता रहे कि वो एक बड़ा विकसित शहर था, और उस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका मुख्य केंद्र वही रहा होगा। जैसे कोई राजधानी वगैरह होती है ना, मतलब कोई बड़ा शहर होता है, वैसे ही ये शहर था। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, कि 5,000 साल पहले का ये जो शहर है वो आज का जो महानगर, महानगर मतलब कोई बड़ा शहर जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, कोई बड़ा शहर, कि उससे भी आगे निकलता होगा उस समय में। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहन जोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि जो मोहन जोदड़ो जो शहर था ना, उसकी जो बस्तियां थी, जो वहां के घर थे, इमारतें थी, वो छोटे मोटे टीलों पर बने हुए थे। अब टीले क्या होते हैं, कोई ऊंचा स्थान, मतलब जो शहर था ना वो ऊंचाई पर था, और ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, मतलब ये नेचुरली नहीं थे कि जो मिट्टी थी या उससे बने हुए थे या ऐसा कुछ, मतलब ये टीले बनाए गए थे।
कि वहां पर जब भी इमारतें बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, नगर बनाए जाते थे, बस्तियां बनाई जाती थी, तो पहले स्थान को ऊंचा किया जाता था। ये नेचुरली नहीं थे ये टीले। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है कि पास में ही सिंधु नदी बहती थी, हो सकता है कि सिंधु नदी का बहाव वहां तक पहुंच जाए, या वहां पर इमारतों में दीवारों में पानी रिसने लगे, इसलिए किसी ऊंचे स्थान पर मतलब ये जो बस्तियां बसाई गई थी। कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। अब वहां टीले बनाए गए थे, टीलों पर इमारतें बनाई गई थी, घर बनाए गए थे, और वो जो वहां ईंटें थी मतलब वो कच्ची भी थी और पक्की भी थी। अब ये बात भी यहाँ ध्यान देने की है कि जो चाहे वो 5000 वर्ष पहले की संस्कृति है, लेकिन उस समय में भी पक्के मकान हुआ करते थे। तो पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंधु का पानी कहीं बाहर आ जाए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। मतलब कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो जो भी सामान मिला, चाहे वो आज अजायब घरों में पहुंचा दिया गया हमारी संस्कृति की निशानी बनाए रखने के लिए, लेकिन आज भी अगर हम वहां पर जाए ना तो वहां पर मतलब वैसे की वैसे हमें दीवारें खड़ी मिलती हैं, तो आज भी हम वो चीजें देख सकते हैं। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। मतलब वो इतनी पक्की दीवारें थी कि आज भी वो नष्ट नहीं हुई। जब खुदाई की गई तो वो पक्की दीवारें हमें देखने को मिली, जैसे कि इस फोटो में भी दिखाया गया है। देखिए इसमें कि जो यहाँ दीवार है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, मतलब कि आज भी वहां पर ऐसी दीवारें देखी जा सकती हैं। आज भी हम वहां की दीवार पर पीठ टिकाकर वहां पर खड़े हो सकते हैं। वह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। पुरातत्व मतलब इतिहास। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं उसके पार भी झांक रहे हैं। कहने का मतलब है कि चाहे वहां पर आज टूटे फूटे खंडर बचे हैं, लेकिन आज भी हम वहां का जो एहसास है, हमारा जो इतिहास है, हम उसके पार भी देख सकते हैं। देखिए इसमें लेखक ने एक और चीज दिखाई है कि मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है, ये जो मतलब खुदाई करने पर ये जो सड़क के बारे में पता चलता है, ये भी लेखक ने इसमें बताया है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बोध स्तूप है। अब इसमें एक बोध स्तूप, बोध मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित, कि वहां पर एक स्तूप दिखाया गया है जिसका नाम बोध स्तूप है। आगे लेखक ने इसकी जो पिक्चर भी दिखाई है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण मतलब कमजोर टीले पर बना, कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। भिक्षु क्या होते हैं? जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, मतलब वहां पर जो उनके टूटे फूटे कमरे हैं वो भी नजर आते हैं। 1922 में जब राखालदास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया जो कि इराक में है की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा कर दिया। मतलब कि ये जो मिस्र की और मेसोपोटामिया जिनकी खोज पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो एक तरह से मोहनजोदड़ो इनसे भी प्राचीन सभ्यता देखने को मिली। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया।
कि जो मिस्र और मेसोपोटामिया जिसको प्राचीन सभ्यता कहा गया था सबसे पुरानी, लेकिन मोहन जोदड़ो की खुदाई के बाद पता चला कि जो मोहन जोदड़ो की सभ्यता है वो इनसे भी पुरानी है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। अब लेखक इसने बौद्ध स्तूप की बात कर रहा है कि जब वो वहां की यात्रा पर गए तो वहां पर वो एक सर्पिल पगडंडी, सर्पिल मतलब सांप की आकार की लंबी, तो एक ऐसे ही गली को पार करके वो इस स्तूप की तरफ गए। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया, मतलब अपलक मतलब हम लगातार उसे देखते रहे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, ना आकाश बदला है ना धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। मतलब वहां जाकर हमें ये एहसास होता है कि आकाश और धरती वही हैं, न जाने कितनी सभ्यताएं आ गई उसके बाद, कितने इतिहास बन गए, कितनी नई कहानियां आ गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो। देखना अपनी आंख से देखना है, बाकी सब आंख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। तो लेखक इसमें उस बोध स्तूप के बारे में बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। मतलब चाहे सर्दियों के दिन थे, दोपहर को तेज धूप थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका, अब जो बोध स्तूप के आसपास का इलाका है, वो लेखक इसमें बता रहा है कि यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। अब राजस्थान में रेत ही रेत होती है, चमक होती है। फिर लेखक कहते हैं कि रेत के टीले नहीं है, वहां रेत से बने टीले होते हैं। खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश है, सूना परिवेश, मतलब कि जो वातावरण है बिल्कुल सूना चुपचाप है। धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चुंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हों। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती हैं। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की कभी जरूरत ना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहन जोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, कि जो स्तूप का जो आसपास की जगह थी, जो वहां पर उसका जो एक हिस्सा था, उसको जो इतिहास के जो विद्वान है वो गढ़ कहते हैं। गढ़ मतलब किला। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहन जोदड़ो ने दिखाया? मतलब इसमें यह कहा गया कि कुछ जो जैसे किले वगैरह होते हैं वो शहर से थोड़ा दूर होते हैं, और मोहन जोदड़ो में भी यही था कि जो ये बौद्ध स्तूप का जिसको किला नाम दिया गया है कि ये शहर से थोड़ा दूर था, तो शायद से वहीं से ही ये जो रास्ता हमें मिला कि जो हमारी ये राज सत्ता हो या धर्म सत्ता, मतलब जो भी ये स्थान होते हैं बस्तियों से थोड़ा दूर बसाए जाते हैं, तो ये रास्ता भी हमें मोहन जोदड़ो ने दिखाया। देखिए इसमें लेखक ने वहां पर जो बौद्ध स्तूप है उसकी भी इसमें तस्वीर दिखाई गई है कि कैसे वो ऊंचे टीले पर था, जो ईंटें थी वो पक्की थी।